अब पीछे में है तब सबके आएगा, फैलावे रह जा इसे। सर पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं सर कि सर आपका शुभ नाम क्या है और सर आप कौन से विधानसभा से हैं? आप जो खड़े हैं डेहरी विधानसभा है 212, और मेरा नाम हुआ इंजीनियर सत्यनारायण सिंह, एनडीए गठबंधन भाजपा के विधायक। और अभी आप जो स्थल पर खड़ा है ये है यहाँ का अनुमंडलीय अस्पताल ब्लॉक का है, उप स्वास्थ्य केंद्र है ना, इसी में जो शिलान्यास हो रहा है। यहाँ जनता को थोड़ा सा दिक्कत होता था, यहाँ तो मैंने सोच करके अभी प्रतीक्षालय जहाँ जनता आवे आराम से बैठे, हवा ले, बाथरूम की व्यवस्था, लैट्रिन की व्यवस्था और सेट की व्यवस्था, उसी का भी शिलान्यास किए, कल से काम लगेगा। सर अभी ये कोरोना महामारी में आप लोगों ने जो चुनाव का ये बिगुल फूंक चुके हैं और हमारे नीतीश सरकार पूरे बिहार में, तो मैं राजद से भी बात किया तो राजद सरकार बोल रही, राजद सुप्रीमो लालू यादव से कल मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि नहीं, नीतीश सरकार ने चुनावी कोरोना महामारी में उन्हीं ने बहुत जल्दीबाजी था, उन्हीं ने ऐसा किया कि जल्दी से चुनाव कराया जाए। तो सर इस बारे में आपको क्या कहना है? बड़ा हमको हंसी छूटता है कि नीतीश कुमार के चुनाव या शायद लालू जी को जानकारी नहीं है, चुनाव कमीशन है, चुनाव कमीशन निर्णय करता है कि चुनाव कब होगा। जब चुनाव कमीशन आदेश देगा, सरकार का काम है उसकी व्यवस्था करना, और सरकार ने उसकी व्यवस्था की कि जहाँ भी 1000 से ज़्यादा वोटर हों सोशल डिस्टेंसिंग में रह करके लोग वोट करे, उसकी व्यवस्था भारत की सरकार हो या बिहार की सरकार हो मुकलमल व्यवस्था कर दी है, और नीतीश कुमार करा रहे हैं ये तो समझ में अंतर है, हमें नहीं समझ में आता। सर आपके विधानसभा में जितने भी वोटर हैं तो क्या वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके वोट देंगे? एकदम देंगे। अब तो जहाँ 1000 है वहाँ 500, तब तो समझ लीजिए कि कितना दूरी पर होगा, अंजाद वोट भी ज़्यादा पोल होगा, क्योंकि पिछले दफ़ा हमारे वोटर आज़ादी के बाद पहली दफ़ा डिहरी विधानसभा में 72,000 खाली हमरा दे दिया, इतना वोट आज तक किसी को मिला ही नहीं था। तो हमने देखा यही अकोढ़ी बूथ पर गए, 5 बज रहा था और 150 की संख्या में लाइन में लगा हुआ था, हम लाइन में लगे रहिए, अब बाद में लोग आ रहा था, बहुत से वोटर हमारा वोट देने से वंचित हो गया था। अब की तो जो दो भाग में बटा है तो अब की ये आंकड़ा 1,00,000 पार होगा जीत मैंने वोट का, तो ऐसा नहीं। अब तो सरकार को मैं धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने 1000 से जहाँ जहाँ मतदाता थे सब जगह दो बूथ बनाने का काम किया। सर अपने विधानसभा जनता को आप क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? सर किस एंगल से अपने क्या कहना चाहेंगे? हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने विधानसभा के जनता को क्या कहना चाहेंगे? अभी देखिए लगातार अभी 8 जगह डेली उद्घाटन और शिलान्यास, ऐसे ऐसे क्षेत्र में जहाँ विकास की किरण दिखाई नहीं देता था वहाँ वहाँ से घूम के आ रहा, आज तक कोई विधायक वहाँ गया नहीं, न फंड देने की बात तो दूर, वहाँ वहाँ से हम घूम करके आ रहे हैं। और जनता से मैंने यही कहते आ रहा है कि अगर देश में मोदी जैसा नेता आपको नहीं दूसरा हो तो वोट दीजिए। यहाँ महागठबंधन के तुलना में नीतीश जी का जो एनडीए गठबंधन है, नीतीश जी जैसा अगर नेता हो तो वोट दो, न तो हमको दो, और बल्कि पूर्व के 15 सालों के बराबर अगर 1 साल में अपने पंचायत में सर्वे कर लो कि 1 साल में 15 साल के बराबर अगर काम किया तो वोट दो, यही कहते आ रहे हैं। अब अपने जनता को सभी लोगों ने कहा कि भाई मान गए, देश में मोदी जैसा कोई नेता नहीं, बिहार में नीतीश मोदी जैसा कोई नेता नहीं, अब बिहार में सत्यनारायण यादव जैसा कोई बेटा नहीं, तो कहा लोग तब कह रहा है।
चलिए सर, आपसे बात करके बहुत संतुष्टि हुई और यहाँ के जनता आपको बहुत चाहते हैं। तो सर, अब चुनाव बीतने के बाद अब यहाँ पे जनता को आप सर अपने विधानसभा से क्या गिफ्ट करने वाले हैं? देखिए, अभी तो जितना हम घोषणा कर दिए थे, मोदी जी को भी अपना मैनिफेस्टो बदलना पड़ रहा है कि जितना था धारा 370, राम जन्मभूमि, 3 तलाक, सब खत्म करने का काम किया। और हम भी जितना वादा किए थे वो सब खत्म। फिर जनता जिता रही है, फिर हम लोग बैठेंगे और फिर नया मैनिफेस्टो क्षेत्र के विकास का। डालमिया नगर को खुलवाना है, मोदी जी ने कहा है, अब दिल्ली जाके इन्हें भी नहीं गए हैं। और जो विकास छूटा हुआ है, अभी गए अभी केसो बीघा में, सब 3-3 गो बच्चा पढ़ने दूसरे गांव जाता था, स्कूल सेंक्शन था, भवन नहीं था। मैंने वहां भवन दिया तो पता करेंगे कहां कहां हमारे दलित भाइयों का, अत्यंत पिछड़ा के भाइयों का या किसी भाइयों का, जहां जरूरत जो हो उसको पूरा करने का काम करेंगे। हम तो कोनो पटना आज तक रहे हैं, हम तो बराबर टिहरी रहते हैं, तो घूमते हैं, जानते हैं कि कहां क्या जरूरत है। और एनडीए सरकार में तो सबका साथ सबका विश्वास ऑटोमेटिक होते जा रहा है। अब जब तेज वकील हो तो सब काम होता है। किसान